बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव में वोटों के बंटवारे की चाल चली है और मायावती की इस चाल से गाजियाबाद, मेरठ से लेकर लखनऊ तक खड़कंप मचा है। खासकर बीजेपी खेमे में मायावती की रणनीति ने टेंशन बढ़ा दी है। मायावती लगातार जातिगत समीकरणों को साधते हुए टिकटों के हेरफेर में लगी हैं। बीएसपी ने मैनपुरी से गुलशन देव शाक्य को मैदान में उतारा था। यहां सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। बसपा ने अब इस सीट से शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतारा है, जिनकी उम्मीदवारी से यादव वोटों में बंटवारे की संभावना है। इसी तरह आजमगढ़ में भी बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, जिससे वोट बंटने की संभावना जताई जा रही है। हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी वे अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। यूपी की कई सीटों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रणनीति उनकी पार्टी के लिए मुफीद होगी या फिर विपक्ष की रफ्तार पर ब्रेक ही लगाएगी, इसका पता 4 जून को मतगणना के बाद चलेगा। लेकिन फिलहाल इसने विपक्ष के रणनीतिकारों को चिंता में जरूर डाल रखा है। मैनपुरी सीट पर जातिगत समीकरण को देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा यादव 26% हैं, दलित 22% और मुस्लिम 6.7% हैं। यह सीट हमेशा सपा के लिए फायदेमंद साबित होती रही है। जाति समीकरण के हिसाब से सपा बाजी मारती रही है। मायावती ने यहां प्रत्याशी बदलकर यादव उम्मीदवार देकर बंटवारे की चाल चली है। यादव और मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारे से सीधा नुकसान सपा को हो सकता है। आजमगढ़ लोकसभा सीट सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। आजमगढ़ में 17% यादव, 15% मुसलमान और 28% दलित वोटर बताए जाते हैं। सपा ने यादव मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोककर चुनाव जीतने की चाल यहां चली, लेकिन बसपा ने बंटवारे का दांव खेला है। बसपा ने पहले यहां भीम राजभर को उतारा था, लेकिन बाद में सभी अंसारी को उतार कर बंटवारे का खेल खेल दिया। कहा जा रहा है गाजियाबाद से नंद किशोर पुंडीर, मथुरा से उपमन्यु सुरेश सिंह, मेरठ में देवव्रत त्यागी, मैनपुरी में गुलशन देव शाक्य की जगह शिव प्रसाद यादव, फिरोजाबाद में सत्येंद्र जैन की जगह चौधरी बशीरी, आजमगढ़ में राजभर की जगह सभिया अंसारी और अमेठी में रवि प्रकाश मौर्य की जगह नन्हे सिंह चौहान को मैदान में उतार कर मायावती ने इन लोकसभा सीटों पर हार जीत का समीकरण बदल दिया है।